नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 11 के अर्थशास्त्र का पूरा सॉल्यूशन। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक एक के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से लिखना है। पहले में AL बाहुल्य लिखना है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5 कृषि 1 जनवरी 2015, इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चन कर लेना, इसी सिक्वेंस में करना है आप लोगों को। अगर आप दूसरे सिक्वेंस करेंगे, अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो बाद में बोल लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर इस प्रकार से आप लिख लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं, कुछ 4th और 5th, यहाँ पर 4th का आंसर नहीं आया। अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी दी गई है, तो सही जोड़ी कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन ये 1995, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग यहाँ पर MPPSC हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों के ये सही जोड़ी का आंसर इसी सिक्वेंस में आप लोग कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सत्य आपको बताना है। तो सत्य इस प्रकार से आपको दिए गए हैं, पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा सत्य। तो इसी सिक्वेंस में आप लोगों को भी करना है, ठीक है दोस्तों। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन आपको। हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराए मत, सबका सॉल्यूशन डाउट नॉट। दोस्तों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नॉट ऐप पर। या फिर कोई भी कोर्स का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही आप डाउट नॉट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी सर, GB सर, NG सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी पूरी पढ़ाई अब डाउट नॉट ऐप पर है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नॉट ऐप का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट नॉट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। एक शब्द में एक वाक्य में आंसर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले का हमें नहीं मिला है, तो अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि सभी लोगों की मदद हो सके। हैं क्वेश्चन नंबर 2 का समांतर माध्य हो जाएगा, और तीसरा का शिक्षा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण हो जाएगा, और 1 निसंतान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि जब कभी आंकड़ों के 2 या अधिक समूह वर्गों, 2 या 2 से अधिक समूह वर्गों या श्रेणियों में कुछ निश्चित संबंध पाया जाता है, तो यह सहसंबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना आपको, निर्देशांक सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, निर्देशांक प्रतिशतों का माध्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं? दोस्तों, वाहनों का धुआं हो सकता है और दोस्तों उद्योगों का धुआं हो सकता है। तो इसी सिक्वेंस में आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट केंद्रित विकेंद्रित योजना है, इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक रण करने की योजना है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी से 6 से 14 वर्ष आयु वाले के सभी बच्चों को 2010 तक आरंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इसमें पूछा गया था आपको, क्वेश्चन पेपर आपके पास उपलब्ध ही होगा। इसका आंसर है, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु में से 1 वर्ष यहाँ थोड़ा 1 वर्ष या कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या को यहाँ पर मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या दर मृत्यु दर क्वेश्चन होगा, जो आप देख लेना आपके पेपर होगा, उस हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा मैं सही करवा दूंगा इसके द्वारा से, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो सीधे आप वहाँ से ही इसे डाउनलोड कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, तो वर्गीकरण की विशेषता आपको बताना। तो वर्गीकरण विशेषता कुछ इस प्रकार से हैं, इन्हें आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वर्गीकरण की परिभाषा, वर्गीकरण की ये विशेषताएँ लिख लेना। क्वेश्चन नंबर आता 12, आप प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर लिखना। तो प्रश्नावली क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन और कई बार एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनमें ही पूछा गया है। तो प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर सूचक स्वयं होता है, और प्रश्नों के उत्तर सूचक प्रकटन सूचकों से पूछकर
भरता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, इसमें टिप्पणियाँ दी जाती हैं, इसमें टिप्पणियाँ नहीं दी जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर समांतर माध्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, तो समांतर माध्य की विशेषताएं भी आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों, 14 का आंसर भी कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, वो उसी टाइप से आपको इस आंसर को लिखना है। तो पीडीएफ डाउनलोड करना है तो दोस्तों आपको पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जाएगी, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसका आंसर भी कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और आप लोगों के जो पेपर ओपन बुक्स हो रहे हैं वो किस डेट को जमा होंगे ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि जितनी जल्दी हमें पता चल जाएगा उसी हिसाब से हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया, मध्यिका के गुण आपको बताना है, तो मध्यिका का ज्ञात करना एवं समझाना सत्य है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 का अथवा था, क्वेश्चन 7 का कुछ इस प्रकार से लिख देना, क्वेश्चन 17 का अतरत्वा, औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर भी लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 18 का उत्तर अथवा, वर्गीकरण को प्रेरित करने वाले घटक को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख लेना है, तकनीकी ज्ञान का विस्तार और प्रतियोगिता, ठीक है, तकनीकी विज्ञान और प्रतियोगिता। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक ही एक हमारा मोटिवेट का जरिया होता है, ठीक है। तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, और इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को आप यहां से देख पाएंगे। इसका फुल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसकी फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको हम लगातार हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के जो पेपर ओपन बुक पद्धति से लिए जा रहे हैं इस बार, क्लास 9th और 11th वाले सभी स्टूडेंटों के लिए लगातार हम वीडियोज अपलोड कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो इस प्रकार से आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो ये सभी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप कर लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से लिख लेना। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराएंगे, तो वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर पाएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। तो कुछ इस प्रकार से फुल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल। धन्यवाद दोस्तों।